सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 3D अवतार कैसे ऐड करते हैं, जैसा यहां आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि इसको हम अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का 3D अवतार कैसे ऐड करते हैं आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमको जाना है ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब में। देखिए इंसर्ट टैब आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ देखिए 3D मॉडल्स का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेस पे हमें क्लिक करना है। याद रखिएगा इसके लिए आपका कंप्यूटर या लैपटॉप जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए 3D मॉडल्स का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये रहा अवतार का ऑप्शन, ठीक है, ये रहा अवतार का ऑप्शन। यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, आप वन बाई वन चेक कर सकते हैं। फिलहाल अवतार पे क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि आप बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पर अवतार आपको दिखाई पड़ेंगे। मान लीजिए कि ये सेकंड वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर इसको सेलेक्ट करिए और नीचे देखिए इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अवतार यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये देखिए, अब ये देखिए बीच में ये छोटा सा साइन बना हुआ है, इसको पकड़ करके आप इसको अपने हिसाब से आगे पीछे दाएं बाएं मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3D अवतार ऐड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।